क्या होता है जब आपकी शादी को 9 साल बीत जाएं और आप एक बच्चे की माँ भी ना बन पाए। तब दुनिया भर की उंगलियां आपके ऊपर उठती हैं, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, बांझ और न जाने क्या क्या बेहूदी बातें बोलते हैं। इन्हीं सब का सामना इस वक्त सरगुन मेहता कर रही हैं। टीवी में अपनी छाप छोड़कर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर वन एक्ट्रेस बन चुकी सरगुन तरक्की की सीढ़ियां तो चढ़ रही हैं, लेकिन उनके पास आंचल से चिपका लेने वाला कोई बच्चा नहीं है। लेकिन अब इन तानों से सरगुन तंग आ गई हैं और उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो वो बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं। एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर सरगुन ने खुलकर बात करते हुए कहा, शादी के बाद हर कपल से ऐसी ही उम्मीद की जाती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शादी को एक तरह से नीचा ही दिखाया जाता है। शादी के बाद जिसे देखो वो यही महसूस कराने पर लगा होता है कि बच्चा पैदा करना ही काम रह गया है हमारा। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जिनके बच्चे हैं। हर किसी की लाइफ में एक अलग प्राथमिकता होती है, सबका अलग अलग गोल होता है। हर शख्स इस गोल को अलग अलग उम्र में पूरा करता है। कोई 25 साल में से पूरा कर लेता है तो किसी को 40 साल की उम्र तक इसका इंतजार करना होता है। सरगुन ने इस मुद्दे पर बात करते हुए आगे कहा कि जब आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगने लगे कि जो आप करना चाहते थे वो कर लिया है या फिर संतुष्ट हो गए हैं तो इस तरह का फैसला ले सकते हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आप किसी को अच्छे से खुशियां दे सकते हैं क्योंकि हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग होती है। 33 साल की सरगुन मेहता ने साल 2013 में एक्टर रवि दुबे से शादी रचाई थी। दोनों मियां बीबी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। फिलहाल तो सरगुन ने एक और तरक्की की सीढ़ी चढ़ ली है। सरगुन अक्षय कुमार की फिल्म मिशन सिंड्रेला से बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं। फिलहाल सरगुन के जवाब पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।